पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख इस वक्त सखर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और 38% प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, वो तकरीबन 650 अरब बनता था। उस 650 अरब के अंदर जो हमारे एंड का काम था कि इन्होंने एक बूंद पानी नहीं दिया कराची शहर को, और K4 के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है, वापडा उसको कर रही है। एक मतलब ये जो 650 अरब 162 और 650 अरब मिला लीजिए, इसको तकरीबन ये बन जाते हैं 800 अरब के करीब। सिर्फ अभी 2.5 साल की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर नालों की सफाई, इस बरसात से पहले जो 5 बड़े नाले थे उनके ऊपर, गुजर नाला, मैं बताना चाहता हूँ, 5 बड़े नालों पर फेडरल गवर्नमेंट ने काम करना था, इन्होंने उसकी और किराया देना था, बहुत कुछ करना था लोगों को। फेडरल गवर्नमेंट का काम शुरू है, इंशाल्लाह 2 मेन नाले इस बरसात से पहले हो चुके होंगे। लेकिन 38 जो छोटे नाले थे, 38 छोटे नालों के जो इलाकों से आते थे, उस पर सिंध गवर्नमेंट ने काम करना था। सिंध गवर्नमेंट ने हाथ उठा दिए कि जी जाओ मरो डूबो कराची शहर वालों, हमारा कोई वास्ता नहीं है तुमसे। तो 650 अरब के ऊपर भी वो जो हमारे एंड का हिस्सा था 1100 अरब में से, उस पर काम शुरू हो चुका। और उसके बाद मेरे कप्तान ने जो पिछले महीने अनाउंस किया था 446 अरब रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर ए उन्होंने कहा था 1 महीने में आपको ग्राउंड पर ये सब कुछ नज़र आएगा। तो गुज़िश्ता रोज़ असद उमर साहब तशरीफ़ लाए, आपने देखा कि जो गैसिफिकेशन के लिए ऐलानात किए गए थे, गैसिफिकेशन के घोटकी से गैसिफिकेशन के 2-4 गांव में खुद जाकर फिज़िकल उन्होंने जिता वो गैस के गोठों को गैस के इफ्तिताह किए। उसके अलावा नादरा के ऑफिसेस का हमने कहा था, नादरा के ऑफिसेस सोबो देर हो गए, उसके अलावा बाकरानी में, डिस्ट्रिक्ट सखर में, लड़काना में, कंबर में, काफ़ी जगहों पर नादरा ऑफिसेज भी ग्राउंड ब्रेकिंग उनकी हो गई है, नादरा ऑफिसेज भी बनने स्टार्ट हो चुके हैं। तकरीबन 200 अरब से ज़्यादा आज निकलो यहाँ से, आपके सखर से मोटरवे पे चढ़ जाओ इस्लामाबाद, लगता है कि ऐसे पहुँच गए, कराची जाना लगता है कि हमें कोई नाइजीरिया जाना पड़ रहा है। रोडें तबाह बर्बाद हैं हमारे शहर की भी, वैसे पूरे सिंध की। तो मोटरवे जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, सखर हैदराबाद मोटरवे, सखर हैदराबाद मोटरवे के ऊपर मैं समझता हूँ कि उसका भी जो रुकावट थी, सिर्फ उसने उसने जाके एक वो रह गई, बाकी सखर मोटरवे का काम अल्हम्दुलिल्लाह का मंजूर हो चुका है। सखर मोटरवे भी इंशाल्लाह आपको कामन करीब होता हुआ नज़र आ जाएगा, सखर हैदराबाद मोटरवे जो 200 अरब से ज़्यादा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 446 अरब के जो हमारी तरफ से जो पैकेज था, उसका ग्राउंड पे अमली इकदाम कल असद उमर साहब आए, और उसके बाद ब्रॉडबैंड वहाँ जो था ये आपका, आप कल जैकबाबाद में अमीन उल हक साहब भी आए थे, मोहम्मद मियां सुमरो साहब से थे। देखिए 3 अज़ला के अंदर 3G 4G आजकल दौर है कम्युनिकेशन का, और हमारे इलाकों में 3G 4G की वजह से कारोबार बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन बेहतर होती है, तरक्की आती है। तो ये लोग कहते थे कि जी सिर्फ शायद सारा काम कराची में हो तो